दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगन्नाथ कल वाराणसी आ रहे हैं, ये खास जानकारी है। आपको ये बता दें कि तमाम तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं। प्रविंद्र जुगन्नाथ का वाराणसी में भव्य स्वागत होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के वो दर्शन करने वाले हैं। ऐसे में खास तैयारियां, विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पूजा अर्चना के बाद में गंगा आरती देखेंगे प्रविंद्र जुगन्नाथ। दौरे से पहले देखिए विशेष तैयारियां की गई हैं, खास तैयारियां की गई हैं। मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो इधर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। ये उनका तीसरा वाराणसी दौरा होगा, ये खास बात है। तमाम खास जानकारियां आपको बता दें हम। कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ सुबह करीब 10 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, दौरे को लेकर किस तरह से तैयारियां वाराणसी में की जा रही हैं? अभी फिलहाल जिस प्रकार से मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा माना जाएगा वाराणसी से, जो उनका अलग लगाव रहा है, उत्तर प्रदेश के बलिया के जिले से उनका एक खास लगाव रहा है। पूर्वज वहां से जाते हैं। वाराणसी जिला अधिकारी जो एस राजलिंगम, उनकी ओर से जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ 11 सितंबर को करीबन 10 बजे वहां एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे उनको होटल ताज ले जाया जाएगा, लेकिन इस बीच में जो उनके तरफ से माँ गंगा की आरती उसमें भी शामिल होंगे। लेकिन एयरपोर्ट से लेके वहां तक की साज सज्जा की जा रही है, अलग अलग आयोजन दिखाए जाएंगे, ताकि कह सकते हैं जो संस्कृति है वाराणसी की, उस संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और खासतौर से जिस प्रकार से दौरा उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 में आए थे, 2021 में ये दौरा हुआ था। इस बार G20 की समिट के बाद ये कल प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, उनका 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे में विकास स्थान के दर्शन करेंगे, गंगा आरती का उन्हें करेंगे। इसके बाद जो आगे के कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी नहीं है। फिलहाल 2 दिन का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, और खासतौर से ये उनका दौरा तीसरा है, तो कह सकते हैं भारत से उनका एक जुड़ाव एक पहले पुराना रहा है। और खासतौर से वाराणसी का ये तीसरा दौरा उनके लिए अहम रखता है। G20 समिट के बाद भारत की छवि ऑलरेडी बहुत बड़ी स्तर में जानी जा रही है, और ये दौरा भी इनका बहुत अहम माना जा रहा है। आरती, अच्छा देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद प्रबंध होने चाहिए इधर, किस क्योंकि मंदिर के दर्शन के लिए आ रखे हैं, तो वहां पर भी कुछ खास इंतजाम होंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आकाश? देखिए, खासतौर से जिस प्रकार से 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री के एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से होटल ताज जो है वहां तक के बीच में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी कराया जा रहा है, बीच बीच में जो है बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे, ताकि जो वहां की जो संस्कृति है वो भी दर्शाई जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था और संस्कृति दोनों को मद्देनजर रखते हुए DM और जिलाधिकारी तमाम चीजें वहां प्रशासन मुस्तैद है, और तमाम चीजों की तैयारी कर चुका है। अब ये जब कल दौरा होगा, उस प्रकार से उसकी भव्यता और देखने वाली होगी। खासतौर से जिस प्रकार से किसी पहले भी 2 दौरे इनकी हो चुके हैं, तीसरा दौरा है ये, तो खासतौर से बहुत अहम माना जा रहा है। और G20 समिट के बाद भारत की छवि बनी है पूरे देश में, उसके बाद इस प्रकार से इनका दौरा बहुत अहम है। आरती, चलिए बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का ये दौरा खास रहेगा।